ऐसे रोड बना रखे हैं इन्होंने। सोचो यार असली में ऐसे ही रोड होंगे वहाँ पे, फिर तो मज़ा आता होगा। एडवेंचरस ड्राइविंग, फुल एडवेंचर टकराएगा क्या। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चंदन्स गेमिंग। और ये मैंने ख़रीद लिया है एक छोटी सी मिनी बस, ठीक है, जिसका नाम आई थिंक मेगा टूर करके कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम ड्राइव करके चेक करते हैं कि कैसा है। तो सबसे पहले हम जॉब ले लेते हैं, सी अवेलेबल जॉब, सी करेंगे। और कहाँ चलें हम, कहाँ चलें, यहाँ से एक काम करते हैं। ये बहुत लंबी रूट है यार, ये तो घंटे भर लगा देगा। ये देखकर देखें क्या ये कितना बड़ा रूट है। ये रूट भी बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं है, रोंडो पॉलिस कैंप, ये तो ये नहीं लेते हैं, ये लेते हैं ये बहुत लंबे भाई, ये ठीक है, ये छोटी सी रूट है ना, इसको लेकर देखते हैं क्योंकि एक बार चेक करना है ना। देते हैं और बस को करते हैं स्टार्ट। अरे वाह भाई, साउंड तो बड़ी अच्छी है। एक मिनट ज़रा सस्पेंशन को मैं फुल ऊपर करके चलाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि ऐसे मज़ा आता है। गेट करते हैं बंद। और अपने को कितने बजे पहुँचना है, 23:45 पे, और अभी हो रहा है 5:03। वैसे टाइम तो काफ़ी है, क्या पता भाई दूर भी तो है ना, तो सीधा निकलते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। सब पावर ब्रेक लगा हुआ है, एक बार चलते हैं भाई इसके अंदर बैठ के ड्राइव करते हैं, तभी मज़ा आएगा क्योंकि अंदर से ही फील आता है। एक मिनट, पहले पोजीशन वगैरह भी चेंज कर लें। पोजीशन कहाँ से चेंज होती थी, हाँ यहाँ से, ये रहा पोजीशन, ये हाँ ये कर लेते हैं ताकि कैमरा मिरर भी तो आना चाहिए ना। ये कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, बस मिरर दिख जाए इतना काफ़ी है। इसको कर देते हैं सेव और इसको करते हैं बैक। ऑन कर दूँ क्या एसी वैसी, एसी ऑन है, ये क्या है 2x2 4x4 क्या, ऑन कर दिया जो भी है। और अब हम चलते हैं, 5:29 हो गया है, अंधेरा है तो लाइट तो ऑन करनी ही पड़ेगी है ना। और ये थोड़ा मस्त बस लग रहा है भाई, एरिया है। अब कहाँ जा रहा हूँ मैं, इधर जाना है अपने को, हाँ इधर जाना है। आवाज़ भी भाई मस्त है जीरो कर देंगे। तो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक आप एक काम कर सकते हो, आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखना होगा, आप वहाँ से दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। और गेम प्ले अगर लाइक भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। और अब सीधा ड्राइव करते हैं, अब धूम धटी है भाई। कितना समय हो गया, 6:31, अपने को पहुँचना है 23:45। टाइम तो बहुत एनफ है यार, हो सकता है काफ़ी दूर हो मेरे ख्याल से टाइम तो। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, रात होने से पहले ही पहुँच जाएंगे। 12:15 रात को बता रहे हैं कि इतने बजे आपको पहुंचना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इनसे भी पहले पहुंच जाएंगे है ना। बाकी ये रोड ऐसे आ जाते हैं ना,
डांस कर रही है बस। तो भाई आगे से गाली दे रहे होंगे बैठ के, देने दे गाली दे दो भाई, हम हैवी ड्राइवर है ना। ये गजा स्पीड अप, स्पीड अप 114 तो मैक्सिमम इसकी 114 स्पीड है। फिर तो यार पहले वाला ही बस ठीक था, उसकी मैक्सिमम स्पीड 140 थी। ये सही है, रोड भी तो नहीं है 140 वाली है। देखो बड्डे बड्डे पहले आ जाते हैं, लगता है कि और बाहर के देश के जो लोग होंगे उन्हें हमारे देश का नाम अलग लगेगा, शालापुर पंडित दीनदयाल पता नहीं कैसे कैसे देश में नाम है, वो नाम उन्हें अजीब लगता है और उनके यहाँ का नाम उन्हें अजीब लगता है। अच्छा भाई टकराना नहीं है बच्चे, ऐसे नहीं करते, दंगा नहीं करना है। असली में ऐसे ही रोड होंगे वहाँ पे, फिर तो मज़ा आता होगा, एडवेंचरस ड्राइविंग, फुल एडवेंचर भाई। टकराएगा क्या ये, देखो नज़ारे देखो भाई, दृश्य अति सुंदरम कुल मनमोहकम संस्कृत बोलम बट वो संस्कृत नॉट आवम, इसलिए हम अपने गति को बढ़ाते हैं और गति हमारी हो चुकी है 93। ये बस ऐसा रोड चाहिए, फुल स्ट्रीट फुल गड्ढा गुड्ढी सीधा हो, ऐसे रोड पे तो भाई जान निकाल दूँ मैं गाड़ी में भगा भगा के फुल स्पीड में। और मुझे लगता है मिरर थोड़ा कट रहा है, तो अब कहीं रुकेंगे तो मिरर को थोड़ा नीचे करेंगे। करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले जाना पड़ता है यहाँ से, गेम को करना पड़ेगा सेव गेम, फिर करना पड़ेगा क्विट, तो करते हैं क्विट। वहीं से शुरू होती है, तो यहाँ से अब सीधी हो चुकी है, तो पहले करते हैं बस को स्टार्ट। बस को स्टार्ट किया हमने और अब भगाते हैं क्योंकि समय कम है, समय तो बहुत है अभी, 8:29 हुआ है, पेट्रोल फ्यूल भी ख़त्म हो गया, पेट्रोल ही आ जाता है मेरे जुबान पे बार बार कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया, क्योंकि पता नहीं है ये तो मुझे सीएनजी वाली बस लग रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को ये सीएनजी वाली बस है, पेट्रोल पंप तो दूर दूर तक नहीं है, तो देखते हैं बिना पेट्रोल स्पीड फुल कर लेते हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल ख़त्म भी हो गई तो बस ये लुढ़कते हुए तो पहुँच ही जाएगी कहीं ना कहीं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्यों बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई यार, नई नई बस थी ना। अच्छा खरीदने के बाद मैंने इसमें रिफ्यूलिंग नहीं करवाया ना, खरीदा वो थोड़ा सा देते हैं ना ट्रायल के लिए, बस उतना सा ही होगा इसमें। हाँ आगे आ तो रहा है, बोर्ड लगा हुआ है लो जी, बहुत बढ़िया पहुँचने इधर है, इस साइड इंडिकेटर दे दो और रुक जा भाई,
फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल भरवा लिया। अरे इधर भी है क्या? बस क्या हो गया यार, मैं बहुत पलट रही है ये, तो फिर से वही करना पड़ेगा। तो रुक जाओ थोड़ा सा, मैं ठीक करूँ इसे पहले।